हमारी मांग है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य दर्जा मिलना चाहिए, जिससे कि हमारे जो बच्चे हैं उनको 85% आरक्षण मिलेगा। जो वैकेंसी है दिल्ली के 85% बच्चों को वैकेंसी मिलेगी, जिस कारण जो जो बच्चे आज हमारे कॉम्पिटिशन में लड़ते हैं उन्हें सहूलियत हासिल मिलेगी, जीत हासिल मिलेगी। जैसे आपने देखा होगा अदर स्टेट में जाते हैं तो यूपी में जाते हैं तो यूपी के बच्चे 85% आरक्षण होता है, दिल्ली के 15% बच्चे ही क्वालिफाई करते कर पाते या नहीं कर पाते। माथुर जी, आप आरक्षण की बात कर रहे हैं, संविधान आपका खतरे में है, संविधान के अंदर बदला जा रहा है, संविधान के अंदर फेरबदल हो रही है, सभी लोग संविधान की तरफ ध्यान ना देके ये दिल्ली सरकार ऐसी वो भारत सरकार जो ऐसी मुहिम छेड़ देती है, सब माइंड जो डायबिटीज कर देती है। देखो ये तो इनका केंद्र वालों का बीजेपी वालों का शुरू से ही रहा है कि माइंड डाइवर्ट करना, वो चाहते हैं कि बोलो कुछ और करो कुछ और। जिस तरह भी मोदी जी ने जुमला दिया था 15 लाख रुपए का, ये सिर्फ एक जुमला था जो उन्होंने खुद अमित शाह ने अभी कुछ भाषण कहा था, ये सिर्फ ये जो जुमला है सिर्फ पब्लिक हमें वोट लेना था और हमने जुमला साबित करके दिखा दिया सिर्फ आम पब्लिक, सिर्फ पब्लिक क्या रहा, पब्लिक के बीच में सिर्फ एक ये रहा कि भाई मोदी जाएंगे अच्छे दिन लाएंगे, लेकिन अब लोग पब्लिक के दिल में ये है कि मोदी जाएंगे तब अच्छे दिन आएंगे, मोदी जाएंगे जब अच्छे दिन आएंगे। हाँ जी, आप युवा हैं, मोदी जी ने ये भी कहा था पढ़ाई लिखाई करके करोगे क्या, अब पकौड़े बनाने का व्यापार अच्छा बताया था उन्होंने, जूता गाँटने का व्यापार अच्छा बताया था, तो क्या कहेंगे आप? ये तो जी बच्चे पढ़ क्यों रहे हैं, इसे सब कहते कढ़ाई तेल दे दो, रेडी दे दो, समोसे पकौड़े तलेंगे, युवा बढ़ेगा, बेक जगह तो है नहीं, बीएमसीडी के पास बेकेगा जगह दो कम, अगर कोई रोजगार बेरोजगार युवा रेडी पटरी लगाता है तो उसे उठवा दिया जाता है एलजी के द्वारा कि देखा अभी कि एलजी ने गाड़ी दे रखी है कि हमें फुटपाथ पूरी क्लियर चाहिए, तो गरीब बेरोजगार युवा कहाँ पकौड़ा तलेगा, कहाँ बेचेगा, क्या अपने परिवार पालेगा? जब आप क्षेत्र के अंदर घूमते हैं तो जो जनता है, जनता की मांगें आपसे कुछ होती हैं, आप उन्हें पूरा नहीं कर पा रहे हैं। जी अब जनता की मांग तो हम बिल्कुल पूरी नहीं कर पाते, वैसे भी हमारे सीएम साहब नहीं पूरी कर पा रहे हैं, क्यों? से हमारे जो एलजी साहब बैठे हैं जो केंद्र के दलाल, वो खुद कहते हैं कि हम एलजी साहब की कोई भी सीएम दिल्ली सरकार की कोई फाइल हम पास नहीं होने देंगे। सीएम साहब खुद कहते हैं कि दिल्ली के अंदर कैमरे लगने चाहिए जिससे कि काफ़ी घटनाएं रोकी जा सकती हैं। सीएम साहब कहते हैं कि राशन घर घर पहुँचना चाहिए और जो मृत्यु प्रमाण पत्र है सर्टिफिकेट है वो घर घर पहुँचना चाहिए। अगर इस तरह सीएम साहब ने हमने कर दिया तो बीजेपी के अंदर एक बौखलाहट पैदा हो जाएगी, उन्हें अपने 2019 का चुनाव खतरे में दिख रहा है, इसलिए वो कोई चीज़ दिल्ली के अंदर एलजी को बैठा रखा है सांप की तरह कि कोई भी व्यक्ति फैला ना पाए और अपनी सत्ता कायम रखे।